सतना नगर पालिक निगम के वार्ड नंबर 43 के लिए हुए उपचुनाव में बेटे ने पिता की विरासत बचाते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। इस वार्ड पर कांग्रेस ने अपना कब्जा बरकरार रखा है, जबकि कोटर नगर पंचायत में भाजपा प्रत्याशी ने विजय प्राप्त की है। सतना नगर निगम के वार्ड नंबर 43 के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस के दिवंगत पार्षद उमेश मलिक के पुत्र सौरभ मलिक कोल्डी ने बड़ी जीत दर्ज कर इस वार्ड पर न केवल कांग्रेस का कब्जा बरकरार रखा है, बल्कि अपने पिता की विरासत भी बचाई है। सौरभ ने भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र दाहिया को 709 वोटों के बड़े अंतर से हराया। कांग्रेस के सौरभ को 1225 और भाजपा के राजेंद्र को 566 वोट मिले। बसपा प्रत्याशी भैयालाल चौधरी को महज 219 मत प्राप्त हुए, जबकि निर्दलीय हिंचलाल सूर्यवंशी को 18 और रामजी को 35 मत प्राप्त हुए। नोटा के खाते में भी 11 वोट आए। सौरभ मलिक गोल्डी को वार्ड 43 का नया पार्षद निर्वाचित घोषित किया गया है। आपको बता दें कि यह पद सौरभ के पिता उमेश मलिक के निधन के कारण रिक्त हुआ था। हालांकि भाजपा ने इस सीट को जीतने के लिए ताकत झोंकी थी, लेकिन फिर भी सफलता उससे दूर रही। गौरतलब है कि भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र दाहिया इसके पूर्व सौरभ के दिवंगत पिता उमेश से भी पराजित हुए थे और अब बेटे ने भी उन्हें हराया है। इधर कोटर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में भाजपा प्रत्याशी दीपा सुरेश पयासी ने जीत हासिल की। दीपा ने कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रकली भैयालाल शुक्ला को 38 मतों से हराया। कांग्रेस की आज बड़ी जीत हुई है, क्या बोलेंगे? कांग्रेस की नहीं है, जनता की जीत है और हमारे स्वर्गीय पार्षद उनके लिए श्रद्धांजलि के रूप में मतदाताओं ने अपनी श्रद्धांजलि दी है और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से अब देश की भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं और जो लाडली बहन व बहना वगैरह की आड़ लेकर के जनता को बरगला रहे थे, वो एक नमूना है जो विधानसभा में आपको। कांग्रेस पार्टी